Good morning, class 8. So, in previous video, we have discussed the poem of the Ant and the Cricket, and it was taken by adapted from SF of Fables. यानी कि ये लोक कथा से ली गई एक छोटी सी poem है. इसको लोक कथा कहते हैं वैसे, लेकिन ये poem के रूप में यहाँ पे convert की गई है, adapted की गई है. ठीक है, तो हम लोगों ने इसका जो है कि दो स्टैंजा प्रीवियस वीडियो में पढ़ दिया था, और आज हम लोग इसको इसके आगे पढ़ेंगे. ठीक है, तो इसमें हमने जो प्रीवियस वीडियो था हमारा, उसमें ये पढ़ा था कि जो झिंगू रहता है वो क्या होता है, वो बहुत ही मस्त रहता है और अपने लिए खाने पीने कोई भी सामान जुटा करके नहीं रखता है, और हमेशा क्या करता रहता है, गाने वगैरह गाता रहता है, और उसे अपने फ्यूचर के बारे में थोड़ी सी भी अपनी चिंता नहीं करता है. और जब मौसम गर्मियों का मौसम खत्म हो जाता है, सर्दियां स्टार्ट हो जाती हैं, तो क्या करता है, उसको खाने के लिए उसको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स हो जाती है. और उसके आगे देखते हैं कि वो क्या करता है. Says the aunt to the cricket, I am servant and friend, but we aunt never borrow, we aunt never lend. अब वो क्या करता है, झिंगुर जो है वो चींटियों के पास जाता है और उनसे कुछ उधार खाने के लिए मांगता है. तो जो चींटियां होती है वो उसको रिप्लाई करती हैं कि हम ना तो हम एक बहुत अच्छी सर्वेंट है और हमारे फ्रेंड भी हैं, लेकिन हम किसी को ना तो उधार देते हैं और ना किसी से उधार लेते हैं. But tell me, dear cricket, did you leave nothing by when the weather was warm? Cried the cricket, no. तो वो चींटी जो होती है वो बहुत ही प्यार से पूछती है कि प्यारे क्रिकेट यानी कि प्यारे झिंगुर, जब मौसम अच्छा था, गर्मियों का टाइम था, जब आप अपने लिए कुछ बचा करके रख सकते थे, तो क्या आपने अपने लिए कुछ भी नहीं बचाया? तो जो क्रिकेट होता है वो बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है, बोलता है नो नो, मैंने अपने लिए कुछ भी सेव नहीं किया. My heart was so light that I sang day and night for all nature looked gay. वो बोलता है कि मेरा दिल इतना अच्छा था, इतना अच्छा लग रहा था मुझे, मेरा दिल इतना हल्का था उन दिनों कि मुझे लग रहा था कि मौसम हमेशा ऐसे रहेगा, हमेशा ऐसे ही अच्छा लगेगा मुझे, और मैं दिन रात गाने पे लगा हुआ था. You sang sir, you see. तो जो आंट होती है वो उसको बोलती है कि तुम क्या गाना गाते हो, गाते थे. Go then sing the aunt and dance the winter away. अब वो दी ठीक है, जब गर्मियों में तुमने गाना गाया तो अब सर्दियां आ चुकी हैं, अब आप जा करके डांस करो. Thus ending the hostel, lifted the wicket and out of the door turned the poor little cricket. Folks call this is fable, I will worry is true. Some cricket have four legs and someone have two. तो यहाँ पर जब लास्ट में क्या बोला गया है कि जो आंट होती है वो क्या करती है, उसे कहती है कि गर्मियों में तो आपने गाना गाया, अब सर्दियों में जाकर के आप डांस करो, और इस तरीके से वो उस झिंगुर को उठा करके अपने घर से बाहर फेंक देती है. वैसे ये एक लोक कथा है, लेकिन इसको जो है कि फेबल तो बोलते ही है, लेकिन ये क्या है, जो राइटर है उनकी नजरों में क्या है, ये एक सच्चाई भी है. कुछ लोग जब अच्छा मौसम होता है, अच्छा वो कुछ अपने टाइम पे कर सकते हैं, तो क्या करते हैं, उस समय वो आराम से सोए रहते हैं, अपनी लाइफ में कुछ भी नहीं करते हैं, कुछ भी सेविंग्स नहीं करते हैं, ताकि बुरा वक्त आने पे वो अपनी लाइफ को सर्वाइव कर सके. तो इस तरीके से यहाँ पे ये आपकी पोयम फिनिश होती है, और एक बहुत बड़ा मैसेज भी है इन पीपल्स के लिए, उन लोगों के लिए, टू लेस पीपल्स के लिए, यानी कि मनुष्यों के लिए, ह्यूमन बींग्स के लिए, कि हमें समय रहते ही अपने जीवन में कुछ अच्छा कर देना चाहिए, जिससे कि हमें अपनी लाइफ में प्रॉब्लम्स ना हो. तो ये आपको पूरा एक्सप्लेन कर दिया है मैंने आपकी पोयम, और आपकी पोयम भी खत्म होती है, और इसकी क्वेश्चन आंसर मैं आपको भेज दूंगी, आप इसको कर लीजिएगा अच्छे से. ओके, थैंक यू.